आप जो है वही देखेंगे। और ये आपने मटीरियल रेडी कैसे करना है आइए जानते हैं। आधा कप आपने चने की दाल ले लेनी है और इसको 2 कप पानी में डाल के सारी रात के लिए छोड़ दें। और सुबह आप देखेंगे कि चने की दाल जो होगी वो सारा पानी जो है अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगी। सुबह आपने कच्चा दूध लेना है, वो भी आपने तकरीबन आधा कप ले लें और कच्चे दूध के अंदर इस चने की दाल को डालें और किसी ग्राइंडर में डालें और ग्राइंडर के अंदर इसको आपने इतना पीसना है कि ये क्रीम की तरह बन जाए। आपका मटेरियल तैयार हो चुका है, इसको वो अपने फेस पे अप्लाई करें। हल्के हाथों से आप अपने चेहरे पर इसका मसाज करें और 5-6 मिनट मसाज करें। उसके बाद इसको छोड़ दें और ड्राई होने दें। जब आपको लगे कि ये ड्राई हो गया तो इसको सादा पानी से वॉश करें और उसके बाद अपने चेहरे के ऊपर कोई भी मॉइस्चराइजर लगा लें। मॉइस्चराइजिंग क्रीम बनाने का तरीका भी आपको बताती हूँ, इसको आप आराम से बना सकती हैं और इसको आप एज ए डे टाइम क्रीम भी यूज़ कर सकती हैं। एक अपने आप तेज गर्म पानी लें और इसमें एक ग्रीन टी पैक आप उसमें डाल दें और उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दें। अब आपने एक नया बाउल लेना है, उसमें आपने 2 चम्मच जो है एलोवेरा जेल डालनी है और 1 चम्मच आपने उसमें बादाम का तेल डालना है। अगर आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली है तो आप उसमें अपने बादाम के तेल की जगह जैतून का तेल डालें, क्योंकि जैतून का तेल जो है वो ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट टॉनिक है। अब इसमें 1 चम्मच उस ग्रीन टी का डाल दें जो हमने सबसे पहले तैयार किया था और या आपकी डे टाइम क्रीम जो है तैयार हो चुकी है। यह हर टाइप की स्किन के लिए बेस्ट है, इसको डे टाइम यूज़ करें। ये इसे आपकी स्किन पे आइली नहीं फील होगी और ये आपका बेस्ट सनस्क्रीन लोशन भी बन चुका है। इसी को जरूरत मांगेगा आप, इसका रिजल्ट जो है आपको बहुत ही पसंद आएगा और कोई ऐसे दिखाने वाला इसका रिजल्ट है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, खुश रहें। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल यह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप